ये क्लिनोमीटर, CLINOMETER, ठीक है, क्लिनोमीटर ये यूज होता है। तो इसमें एक स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ में से हम स्ट्रॉ पे हम डी लगा देते हैं इस तरह से, ये डी लटका दिया, और सेंटर से हम धागा लटका देते हैं, तो ये जो एंगल आएगा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इस नाइन्टी तरह से, डिग्री हाँ इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को देख सर रहे हैं हम। हाँ जी बेटा, हाँ सर, हमें एकदम सीधा करें तो उसको हाँ सीधा एकदम कर देना चाहते हो, तो फिर एंगल कैसे तो पता फिर नाइन्टी लगेगा? डिग्री हाँ जैसे मानो कोई छत पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई छत पे खड़ा है, तो उसको हम देख रहे हैं मानो, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? वो एंगल ऑफ एलिवेशन समझाता हूँ मैं थोड़ी देर में, कि मानो ये एंगल 60 डिग्री आ रहा है ना, ये 0 से लेके यहाँ तक 60 डिग्री आ गया, पर मुझे इस एंगल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है इस एंगल में, ये एंगल कितना है, तो वो 90 में से माइनस करने से ही आएगा कि कितना एंगल है ये, क्योंकि मैं इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस करूंगा ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला चाहिए, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 30 और 30 है, तो मुझे जो एंगल दिखेगा, यहाँ पे हमारा रबड़ बैंड और रबड़ बंधा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे रबड़ बंधा हुआ है और इस तरह से लटक रहा है, तो एंगल जो दिखेगा यहाँ पर वो 60 डिग्री दिख रहा है मान लो, अगर वो 60 है तो उसको 90 में से माइनस करोगे, 90 में से माइनस करने से हमें क्या मालूम पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। ये बात समझ में आ गई बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे पता लग रहा है? एक बार फिर मैं आपको क्लिनोमीटर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, म्यूट रखेंगे बेटा सब अपने आप को। तो देखो मैंने वापस से दिखाया आपको, ये डी से बंधा हुआ है, तो इस तरह से मुझे कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो मुझे इस तरह से इसके होल में से देखना पड़ेगा, इसमें स्ट्रॉ का अंदर खड्डा बना हुआ है, तो इसमें से मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं आगे करके दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरह से बंधा है मैंने, दिख रहा है सबको? ये सबको दिख रहा है क्लिनोमीटर, और इस पे धागा लटक रहा है, ठीक है ना, तो इस तरह से अपन इसको जो है एंगल देखेंगे, इसमें से देखेंगे एंगल स्ट्रॉ में से, तो जो ये एंगल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है, ये एंगल नहीं देखेंगे हमें, इन 90 डिग्री इधर 90 में से माइनस करके जो देखेंगे उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं आपको आपको समझाता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिफ्रेशन क्या होता है, वो समझो आप, ठीक है? तो चलो देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिफ्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हम नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये हम नीचे खड़े हैं, ठीक है, इसको अगर बड़ा करेंगे ना, थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे तो ये एक आदमी खड़ा है और ये जो है टॉप को देख रहा है, मतलब कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, मतलब आंख से लेकर और यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, तो ये लाइन जो है नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन जो है, ये लाइन जो है इमेजिन करनी है, तो ये जो दो दो लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि ये आदमी की हाइट है, ए से लेके ई तक आदमी की हाइट है, ठीक है, मतलब उसके आंख से जो एंगल बन रहा है वो ये है, इसको बोलेंगे जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन हाँ, तो अब जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, कोई पतंग उड़ा रही है लड़की, देखो ये तो पतंग उड़ा रही है, तो यहाँ पे ये इतनी हाइट है उसकी, ग्राउंड से इतनी ऊंची है वो, तो उसके आंख से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हमने, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे पैरेलल, अर्थ के पैरेलल, जमीन के पैरेलल लाइन बनाई, और ये जो लाइन ऑफ साइट है, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो दिख रहा है ये बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? तो ये पतंग और इसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है। इसके बाद अपन मानो ऊपर बालकनी में खड़े हैं और नीचे हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो अब मुझे ये देखना है कि कितना एंगल बन रहा है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करेंगे, ये लाइन सीधी सीधी जो अर्थ के पैरेलल होगी, जमीन के पैरेलल होगी, ये लाइन इमेजिन करेंगे, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला। तो डिप्रेशन हाँ, और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर होते हैं, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर, क्योंकि ये जेड बन रहा है ना, तो उल्टा जेड बन रहा है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इससे अगर हमें ये एंगल पता लग जाता है, तो ये एंगल हम किससे नापते हैं, मैंने दिखा दिया आपको, क्लिनोमीटर से नापते हैं, तो एंगल पता लग जाएगा, और कोई एक चीज, मतलब तीन साइड में से, ट्राइंगल के तीन साइड में से कोई एक चीज हमें पता हो तो हम बाकी चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है? तो
अगर ट्राइंगल के में अगर एक एंगल पता लग जाए और इन तीनों में से कोई एक चीज पता, मानो हमें ये वाला चीज पता, हाइट पता है, हमारी बॉल्कनी की हाइट कितनी है ये हमें पता है, ठीक है, तो मैंने ये देखा एंगल ऑफ डिफ्रेशन ये है थीटा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो अब मुझे हाइट पता है तो मैं आपका ये डिस्टेंस बता सकता हूँ, मानो बीच में नदी जा रही है तो नदी की चौड़ाई पता कर सकते हैं। अगर एंगल एंगल तो क्लिनोमीटर से पता लग जाएगा, हाइट हमें पता है कि हम कितनी हाइट पे खड़े हैं अपने बालकनी में, तो हम ये नदी की चौड़ाई, मानो ये रिवर बह रही है यहाँ पर, तो उसकी जो है हम विड्थ निकाल सकते हैं हमें पे, ठीक है। इस तरह से कुतुब मीनार में भी हम क्या कर सकते हैं, चलो कुतुब मीनार देखते हैं, तो हम कुतुब मीनार के पास में जाके खड़े हो गए तो थोड़ी सी दूर जाके खड़े हो गए, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मुझे पता है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है और मेरी हाइट कितनी है वो भी मुझे पता है। मान लो 5 फिट मान ली, राउंड अबाउट 5 साढ़े 5 फिट मान ली, तो वहां से मेरी आंखों से और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये मुझे पता लग जाएगा और ये डिस्टेंस मैं पता लगूंगा, थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाऊंगा, तो अब ये डिस्टेंस पता है और ये एंगल पता है तो ये निकाल सकते हैं हम हाइट कैसे। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ फिर से एक ट्राइंगल, तो मैंने ये ट्राइंगल बनाया और अब मैंने यहाँ से तो क्लिनोमीटर से एंगल नाप लिया और ये डिस्टेंस कितनी दूर जाके खड़ा हूँ कुतुब मीनार से, तो वो मान लो कि मानो 50 मीटर दूर जाके खड़ा हो गए, ठीक है, और अब ये एंगल पता है ये पता है तो हम ये हाइट निकाल सकते हैं कैसे, कि आपको पता है एच अपॉन बेस, हाइट अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन थीटा, तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता करनी है और बेस हमें पता है और इज इक्वल टू टैन और एंगल जो भी होगा जितने दूर जाके खड़े हो कितना एंगल बन रहा है तो वो एंगल लिख दोगे, तो जरूरी नहीं है कि एंगल जो 5 एंगल बताए उन्हीं में से हो, कुछ और भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 हो, 46 भी हो सकता है, 47.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसे अजीब से एंगल आते हैं तो फिर वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो अगर स्टैंडर्ड एंगल पे अगर आपको एंगल पहले से डिसाइड कर दिया मुझे तो इतने एंगल पे जाके खड़ा होना है, तो आपका डिस्टेंस फिर अपना फिर बाद में नापना पड़ेगा कितने डिस्टेंस पे जाके खड़े हो। तो इस तरह से मैंने मान लिया 30 डिग्री, मैं ये कदम नाप नहीं नाप रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ, तो हाइट क्या हो जाएगी 50 × 10⁰, और 10⁰ की वैल्यू कितनी होती है बताओ, ये होती है 1/√3 होती है ना, 1/√3, हाँ 1/√3। तो अब आप पता लगा सकते हो कि भाई कितनी हाइट है, पर ये कुतुब मीनार की हाइट नहीं है, मैं तो ऐसे कोई आइडिया ले लिया 50 मीटर दूर और एंगल 30 डिग्री, तो हाइट कैसे निकलेगी। तो ये बड़े आराम से किसी भी चीज की आप हाइट निकाल सकते हो, ठीक है, जो अपने माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालना कौन टेप लेके नाप के करेगा, कोई नहीं करता, वो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो ये टावर, ऐसे बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं जिसमें से हाई टेंशन वायर जाती है ना उसकी भी हाइट पता कर सकते हैं। आप मानो 15 मीटर दूर खड़े हो गए और एंगल बन रहा है 60 डिग्री, मानो तो हाई टेंशन टावर दिख रहा है आपको, ये आपकी किताब में बना हुआ है ये हाई टेंशन टावर, तो इसमें ये बेस तो 15 मीटर दूर खड़े हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब आपको हाइट पता करनी है, तो अपन कर लेंगे एच इज इक्वल टू क्या लिखें बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये 60 डिग्री हो गया, ये एच मान लिया, ये 15 हो गया, तो एच अपॉन 15 इज इक्वल टू कितना माने, टेन 60, और टेन 60 कितना होता है 15 और 6 10 60 √3, तो ये मल्टीप्लाई कर देना 15, और मैंने बताया था ये √2 और √3 की वैल्यू तो रेडीमेड याद होनी चाहिए क्योंकि कौन निकालते बैठेंगे, तो ये रटी भी होनी चाहिए 1.732 और 1.414, ये मल्टीप्लाई करके और आप बड़े आराम से हाइट निकाल सकते हो कि टावर के नीचे खड़े खड़े आप निकाल लोगे हाइट। तो आने जाने वाले जिन्होंने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी उसको बोलोगे भाई इसकी हाइट नाप सकते हैं क्या, तो बोले हाइट के करंट लग जाएगा नापने की सोचना ही मत, वो बोलेगा, पर बोलोगे मैं तो बिना टच करे यहीं से आपको हाइट बता सकता हूँ, तो बोले ये तो फेंक रहा है, वो तो अंदाजे से बताओगे मैंने नहीं एक्यूरेट बताएंगे, तो एक्यूरेट निकाल सकते हो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। अब देखो ये जा रहा है एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल वन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है, तो कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो एक पॉइंट ले लिया हमने 15 मीटर दूर ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो है 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर निकाल लो, तो निकाल सकते हैं। पर कभी क्या है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, प्रैक्टिकली मानो हम यहाँ खड़े इस तरह से, ठीक है यहाँ खड़े और हमारी हाइट इतनी है, ग्राउंड तो यहाँ तक है और हमारी हाइट और हमारी आईज
यहाँ तक हम आंख से देख रहे हैं, इस तरह से एंगल देख रहे हैं, तो अब ये टावर की हाइट जो है हमारी इतनी वाली हाइट आएगी, ये वाली, तो उसमें हमारी ये वाली हाइट हम ऐड कर देंगे, तो टावर की हाइट जितनी आएगी उसमें हम अपनी हाइट ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एकदम हम झुक के तो लेंगे नहीं, जमीन के अंदर सो के तो लेंगे नहीं हाइट, तो इस तरह से प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आती है उसमें ये ट्रायंगल बन जाएगा और फिर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मानो हमारा ये 15 मीटर है और फिर ये 60 डिग्री है, तो हम ये वाली हाइट निकाल ली हमने, 15.15 × 1.732 ये आ गया, और मान लो इसमें अपनी हाइट जोड़ दी आपने, जो भी आपकी हाइट है, एच मान लो हाइट है, तो दोनों जोड़ दोगे तो टोटल हाइट आ जाएगी आपकी, किसकी हाइट आएगी, टावर की। तो ये वैसे प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आती है उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल, पोल पे कोई फॉल्ट आ गई है तो उसको रिपेयर कर रहा है इलेक्ट्रीशियन, और कहते हैं पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, तो ये हाइट क्या है पोल की, पोल की हाइट है 5 मीटर, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ कि पोल की हाइट कितनी है, 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बी से लेके यहाँ तक। अब आगे बोलता है She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. जैसे total height तो pole की 5 meter है, पर उसको जो repair करना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इतना बस यहाँ तक पहुँचना है उसको, ठीक है ना, तो ये कितना ऊपर से कितना कम है, ये ऊपर से 1.3 meter कम, इतनी height पे पहुँचना है जहाँ तक सीढ़ी जा रही है, ठीक है, तो below the top of the pole to undertake the repair work, repairing करने के लिए बस उसको यहाँ तक पहुँचना है, ऊपर तक नहीं जाना। तो कहता है आगे What should be the length of the ladder? ये ladder की लंबाई कितनी होनी चाहिए? Ladder, ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree. तो अगर ladder को हम 60 degree पे रख रहे हैं तो हमारे को ladder की लंबाई कितनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से अपन height निकालेंगे ladder की। Would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो कहता है कितना दूर पोल से कितना दूर इसको रखना होगा, और साथ में आपको पता करनी है कि लैडर की हाइट कितनी है, दोनों चीजें पता करनी है। तो चलो दो फॉर्मूले लगाएंगे, तो एक बार तो हम ये लैडर की लेंथ निकालना चाहते हैं, ठीक है, कितनी है, तो हमने इसका ट्राइंगल का नाम तो दे रखा है इसने, तो वही ट्राइंगल का नाम यहाँ लिख देंगे अपन, तो ये है बी, ये है सी, ये बी और डी और ये सी, और उसके बाद ये एंगल जो दे रखा है 60 दे रखा है, और ये 5 मीटर हाइट है, तो 5 में से 1.3 माइनस करो, 5 माइनस 1.3 कितना होता है, 3.7 मीटर, तो 3.7 मीटर जो है ऊपर दीवार पोल पे पहुंचना है इसको, तो अपन अपने बीसी निकालना है, तो चलो पहले बीसी निकालते हैं, तो 3.7 यानी आप पहले लिखोगे बीडी, बीडी अपॉन बीसी क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन 60 होता है ना, साइन थीटा, हाँ साइन थीटा, और साइन 60 की वैल्यू याद है किसी को, √3/2, हाँ, और यहाँ से बीडी और बीसी में से आपको बीडी पता है, तो 3.7 और डिवाइडेड बाय बीसी इज इक्वल टू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीसी को वहां ले जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 3.7 × √3 और सॉरी × 2, 3.7 × √3, ठीक है ना, × 2/√3, इस तरह से हम अपनी लैडर की लेंथ निकालेंगे, इतने मीटर की लैडर की लेंथ होनी चाहिए, तो वो अब आप निकाल लो। सर ये रूट थ्री नीचे आता है तो बड़ा दिक्कत करता है, तो बेटा रैशनलाइज करना सीख लिया हमने, उसको रैशनलाइज कर दो, तो 3.7 × 2 और अब ये √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आसान हो जाएगा आपका, तो नीचे हो जाएगा 3, तो 3.7 × 2/3 और × 1.732, तो ऊपर वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड कर देना, तो बड़े आराम से आपकी लैडर की लेंथ आ जाएगी, तो लैडर ये बीसी है, बीसी क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है, और ये किस में आएगी, मीटर में आंसर है तो मीटर में आएगी, ठीक है। इस तरह से अब उनको ये निकालना है डीसी कितना होगा, तो डीसी निकालने के लिए 5 ये दिया हुआ है, डीसी ये दिया है, तो जरा बताओ कौन सा रेशियो लोगे। देखो आप कोशिश ये करो कि जो पता है वो तो आप नीचे रखो और जो निकालना है वो ऊपर रखो, तो जरा बताओ डीसी निकालना है और
हमें बी डी पता है ना, बी डी हमें पता है, तो बी डी कितना है 5 1.3.7 है, तो डी सी अपॉन बी डी क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई बताएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cot theta. cot theta. और अभी एंगल कितना लिखा है, cot 60 लिख देंगे इसमें, तो चलो डी सी इज इक्वल टू, और बी डी की वैल्यू दे रखी है 3.7 और cot 60 लिख देंगे. cot 60 की वैल्यू किसी को याद है, तो वो तो होती है 1/√3. तो इसको √3 बिल्कुल सही है, इसको आप रैशनलाइज कर देना, तो रैशनलाइज करने के बाद आपको मिलेगा 3.7 डिवाइड बाय 3 और इनटू √3. √3 को क्या करोगे आप, √3 को 1.732 लिख दो इसकी वैल्यू, और ये आपको मिल जाएगा कि ये डीसी यानी आपको कितनी दूर लैडर रखनी है आपकी, कहाँ से, ग्राउंड से, ग्राउंड पे कितनी दूर, इस पोल से कितनी दूर रखनी है, वो आपको मिल जाएगा आंसर. तो देखो इन्होंने निकाला है डीसी कितना है, 2.14 मीटर, तो इसने निकाल लिया 2.14 मीटर है, और ऊपर हमने निकाला है कि लैडर की लेंथ कितनी चाहिए, 4.28 मीटर, तो ये कैलकुलेशन करने से ये आंसर आ जाएगा. कर लोगे इसको, सॉरी 4.28 मुझे ऊपर लिखना है, यहाँ पर 4.28 मीटर लैडर की लेंथ है, और 2.14 क्या है, ये हमारी लैडर कितनी दूर रहेगी पोल से उसके बारे में बताया. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और प्रैक्टिकल जो है लाइफ की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं इनसे, बड़े बड़े दूर दूर के डिस्टेंस आप निकाल सकते हो. तो चलो एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं फटाफट. कहते हैं ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर टॉल है, वैसे तो उसकी आईज की हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है, उसके हेड से देखेगा नहीं, अपने सर में उसकी आंखें लगी नहीं है, तो उसके आंख से लेके नीचे जमीन तक उसकी हाइट है 1.5 मीटर. इज 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से, ये चिमनी में से धुआं निकल रहा है, तो इसमें से इससे कितनी दूर खड़ा है वो, इससे 28.5 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से उसके आंख से अगर वो देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, क्लिनोमीटर से नाप के देख सकते हैं 45 डिग्री बन रहा है. तो वॉट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की हाइट पता लगाओ. तो इसको मैं फिर से यहाँ बनाऊंगा, तो इस तरह से ये ट्रायंगल बना और ये इसकी हाइट है, ठीक है, और ये एंगल बना है 45 डिग्री, तो ये 45 है और हमें चिमनी की हाइट निकालनी है, तो ये ए, ये ई, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये हाइट हमें दे रखी है अपने जो ऑब्जर्वर है जो ये मेजर कर रहा है चिमनी की हाइट, उसकी हाइट है 1.5 मीटर. तो अगर डी सी 1.5 है तो बी ई कितना होगा, ये तो रेक्टेंगल बन गया ना, तो ये भी 1.5 मीटर होगा. तो अब हम ए ई निकालना चाहते हैं, तो ए ई कैसे निकालें, कि हमें बोल रहा है कि कितनी दूर जाके खड़ा हो गया ये, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, यानी ये ग्राउंड में डिस्टेंस कितना है, ये 28.5 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 28.5 होगा, ठीक है, डी ई भी 28.5, अगर बी सी 28.5 है तो डी सी डी ई भी 28.5 होगा. तो चलो बताओ कि कैसे निकालें हाइट, तो अपन ऊपर लिख रहे हैं ए ई, क्योंकि हमें निकालना है ए ई, ट्राइंगल ए ई ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए ई डी, तो ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन, तो टेन 45, टेन 45 किसी को याद है 10/45 की वैल्यू, हाँ बताओ, वन, वेरी गुड. ए ई AE वापस लिख देते हैं, DE हमें पता है 28.5, तो ये इज इक्वल टू 1 है, तो AE कितना आ गया, AE आ गया 28.5. तो आप एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या है, एक तो एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही है हमें पता है, पर अगर एक एंगल 45 दिया ना तो दूसरा एंगल भी 45 होगा, और अगर ये 45 हुआ तो एसोसेलस बन गए, तो जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड होगी, अगर ये 28.5 है तो वो वाली भी 28.5 होगी, ये ध्यान रखना है. तो अपन वैसे तो दिखाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो हमने देख लिया कि नीचे वाला बेस 28.5 था डी से लेके ई तक, तो ए से ई भी 28.5, पर ये टोटल हाइट चिमनी की कैसे निकालेंगे, उसमें अपनी खुद की हाइट ही ऐड करेगा, 1.5 मीटर अपनी हाइट ऐड करेंगे, तो 28.5 प्लस 1.5, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी चिमनी की, चिमनी की हाइट हो जाएगी
हाँ वो चिमनी की हाइट ए से लेके बी तक होगी, ए से लेके बी तक, तो कितने आएगी भी चिमनी की हाइट कौन बता रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस 30 मीटर। बिल्कुल सही है, 28.5 प्लस 1.5 और ये 30 मीटर हाइट हो जाएगी चिमनी की। तो आसान है बहुत, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान से सुनेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो देखो कहता है ये टॉप ऑफ बिल्डिंग कौन सा है, ये टॉप है जो बी पॉइंट है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, और ये कितना एंगल बन रहा है वहां ग्राउंड से, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। और अब कहता है टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की हाइट ए से लेके बी तक वो कितनी है, 10 मीटर है। कहता है फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक फ्लैग लगा रहे हैं ऊपर टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, और आगे क्या बता रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो ये डी जो पॉइंट है वो टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ है, फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री, तो डी से लेके पी ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, तो एक तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ यानी बीडी चाहिए हमें, और क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये डिस्टेंस चाहिए। तो चलो चले देखते हैं क्या अपन फिर से डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा हमें। तो हमने ये डायग्राम बनाया, उसमें नाम दे दिया, ये ए है और ये बी है और ये पॉइंट पी है। तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर, ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब बिल्डिंग के ऊपर हमने झंडा खड़ा कर दिया है, तो इस पे अपना जो अगर टॉप पे देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है भाई, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45, ठीक है। तो अब आपको बताना है, एक तो बताना है कि बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हैं यानी एपी पता लगाना है आपको, और दूसरा पता लगाना है कि, हाँ डी भी लिख दिया हमने, और हमें पता करना है ये झंडे की हाइट कितनी है, बीडी कितना है, ठीक है, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो चलो देखते हैं कैसे लगाएंगे पता। तो सबसे पहले ऐसा ट्राइंगल ढूंढेंगे जिसमें एक साइड दी और एक एंगल दिया हो, तो हमें एक ट्राइंगल पता है, ये वाला ट्राइंगल है कौन सा, एबीपी। एबीपी में हमें ये पता है कि ये 10 मीटर है, ठीक है, और ये एंगल भी पता है, तो इससे हम बेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन ये बेस निकाल लेते हैं। तो क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये जो एपी बेस है ना वो दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, सेम है, चाहे छोटा ट्राइंगल लो चाहे बड़ा ट्राइंगल लो। तो चलो देखते हैं क्या निकालना है, एपी। तो मुझे बताओ बी ए अपॉन ए पी कितना होता है, बी ए अपॉन ए पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, 10-30, और 10-30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है ना, 1/√3, और बी ए की वैल्यू दे रखी है 10, 10 अपॉन ए पी इज इक्वल टू 1/√3। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला, 10√3 मिल गया, ए पी कितना हुआ, 10√3। एक बार बताओ रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, तो जरा बताओ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 17.32 मीटर, यानी बिल्डिंग से कितना मीटर दूर खड़े हैं अपन, 17.32 मीटर दूर खड़े हैं, 17.32 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब मैं बड़ा ट्राइंगल लूंगा, बड़ा ट्राइंगल कहाँ है सर, देखो बड़ा ट्राइंगल ये भी तो है, हम डी ए पी ले लेंगे, हाँ बड़ा ट्राइंगल लो डी ए पी, ये तो बिल्डिंग की हाइट यहाँ रह गई, अब ले रहे डी ए और पी, और ये एंगल अब 45 है। आपको याद है मैंने एक बात बताई थी, अगर एंगल 45 होते हैं दूसरा एंगल भी 45 हो जाता है, फिर क्या होता है, दोनों साइडें बराबर हो जाती है, हाँ। तो अभी ये अगर 17.32 मीटर आई है, तो ये 17.32 है, तो अब हमें हाइट निकालनी है डी ए की, तो ये भी 17.32 होगी कि नहीं होगी, माइनस 10 का जाएगा ना यार, आप फास्ट, आप तो बहुत फास्ट फास्ट जा रहे हो भाई, मेरे से भी फास्ट, और माइनस 10, अच्छी बात है। तो अब मुझे लिखवाना पड़ेगा आपको, चलो लिखते हैं अपन साथ में। तो आपको पता लगाना है डी ए क्या है, तो डी ए क्या हुआ, डी ए अपॉन ए पी, डी ए अपॉन ए पी होता है 10.45, और 10.45 की वैल्यू क्या होती है 1, और डी ए पता करना है और ए पी पता है,
ये पी तो 17.32 है, तो यहां से बताओ कि डीए की वैल्यू क्या हुई, 17.32। पर हमें तो फ्लैगस्टाफ की हाइट निकालनी थी, तो ए बी भी पता है, तो ए बी कितना है, ए बी तो हमें 10 मीटर पता है, तो जरा बताओ। हाँ, तो डी बी कितना हुआ, डी बी निकलेगा डी ए में से ए बी माइनस करेंगे, 7.32। वेरी गुड, 17.32 माइनस 10, तो ये डी बी की लेंथ आ जाएगी 7.32 मीटर, यानी फ्लैगस्टाफ की हाइट 7.32 है। आसान है कि नहीं? यस सर। अच्छी बात है, तो ये भी समझ में आ गया है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल 4 हो गया हमारा, एग्जाम्पल 5 कोशिश करते हैं खत्म हो जाए, अगर नहीं हुआ तो आप भी ट्राई करना, सॉल्व है आपके लिए, और इसी तरह के सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो 6 है, फिर 7 है क्या, नहीं, ये 2 एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज, तो बहुत आसान लगेगी एक्सरसाइज, आप ट्राई करना। शुरू के तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपके क्वेश्चन जो है सारे मुझे कराने नहीं पड़ेंगे, आप खुद कर पाओगे क्योंकि ये आपको समझ में आ गया। तो चलो जल्दी से देखें एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है। कहते थे शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, कहते 40 मीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा शेडो, है ना, परछाई ज्यादा बड़ी हो जाएगी 40 मीटर। कब? व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो कहते हैं पहले एंगल, यहाँ पे सन बना हुआ है मानो, तो यहाँ सन बना है, तो यहाँ पे एंगल जो शेडो पड़ रही है ना वो ऐसे बन रही है, 60 डिग्री एंगल है इसका, तो शेडो तब शेडो इतनी थी, और अब जब एंगल हो गया 30 डिग्री तो अब शेडो इतनी लंबी हो गई, तो 40 मीटर ज्यादा लंबी हो गई पहले से, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और कहते हैं पहले से 40 मीटर ज्यादा हो गई तो हाइट निकालो, तो अपन इसमें 2 ट्राइंगल ले लेंगे, इसको मान लेते हैं एच और इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन छोटे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी हमने लिखा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1060, और 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो न तो हमें ए बी पता एच लिख देते हैं, न तो हमें बी सी पता हम एक्स लिख देते हैं, और 1060 की जगह लिख देते हैं √3, तो एच क्या हो गया, √3 x हो गया। ये हो गई इक्वेशन 1, ये पहले ट्राइंगल से। अब दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा ट्राइंगल ले लिया, तो उसमें फिर बताओ, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी क्या होगा, कौन बता रहा है, टेन कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 30। तो ए बी हमें पता नहीं, ए बी की जगह एच लिख दो, पर बी डी किसका बना हुआ है, बी डी दो साइड है, एक तो डी सी और एक बी प्लस एक्स, तो 40 + x लिख दो, बहुत बढ़िया, तो 40 + x लिख देते हैं, और 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 h इज इक्वल टू 40 + x आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, पर हमें निकालने को क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप है ना वहां से पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, बताओ पहली इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन √3 आएगी ना, वो डाल दो इसके अंदर सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, तो चलो डालते हैं √3 h इज इक्वल टू 40, और x की जगह डाल रहे हैं हम h अपॉन √3, तो अब पता करेंगे हाइट कितनी आ रही है। तो ये h वाला टर्म, ये वाला h वाला टर्म, दोनों एक साइड में ले आओ, तो चलो इस तरफ ले आते हैं, तो हमने ले आए कि √3 h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 40, तो LCM ले लेते हैं, LCM लेंगे तो क्या मिलेगा भाई, कि मल्टीप्लाई करने LCM तो √3 हो गया, तो 3 h माइनस h इज इक्वल टू 40, तो 3 h माइनस h क्या होता है भाई, 2 h होता है, तो 2 h और अपॉन √3 इज इक्वल टू 40, और h कितना हुआ, 40 √3 अपॉन 2, तो हो गया 20 √3। तो 20 √3 क्या है, ये हाइट है, किसकी हाइट है भाई, ये टावर की, ये बोला है ना इसने शेडो ऑफ द स्टैंडिंग टावर, टावर की हाइट पूछी थी, टावर की हाइट निकाल ली हमने, कितनी आई, 20 √3, देखो यहाँ पे आंसर आ गया 20 √3 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी बड़े आराम से कर पाओगे, और अगर x पूछता है ना तो x भी निकल जाएगा, कैसे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू h अपॉन √3, तो चलो डालते हैं x इज इक्वल टू h अपॉन √3, तो h की वैल्यू क्या है, 20 √3 अपॉन √3, तो ये भी मिल जाएगा 20 मीटर। तो अपन चाहे तो x और h निकाल सकते हैं, तो कहने का मतलब देखो ये 2 ट्राइंगल थे, पर इन 2 ट्राइंगल के बीच का ये शेडो लंबा दे रखा था 40 मीटर लंबा, तो हमें ना तो बी सी पता है ना हाइट पता है, और हमें हाइट निकालना है, तो किस तरह से निकाला हमने,
पहले एक छोटा ट्राइंगल लिया, फिर एक बड़ा ट्राइंगल लिया, दोनों ट्राइंगल से एच इनको एच और एक्स रिलेशन निकाल लिया, दो दो एच और एक्स रिलेशन आ गए। पहला रिलेशन एच और एक्स का ये आ गया, दूसरा एच और एक्स का रिलेशन ये आ गया। अब हमें तो निकालना था एच निकालना था, तो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली और इसमें डाल दी। तो अब देखो एक्स तो गायब हो गया और सिर्फ एच रह गया, तो अब एच की वैल्यू आराम से निकल जाती है। एक बार एच निकल जाएगा तो एच निकलने के बाद आप चाहो तो एक्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे, तो आप ट्राई करो। ठीक है, तो अब ये मीटिंग किसी भी टाइम एंड होने वाली है।